केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राजस्थान के प्रतापगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुछ शर्तें बताई और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, साथ ही ये वो चीज है जिसका वास्ता हर किसी को पड़ता है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बनी रहती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ये सब कुछ होगा एथेनॉल की मदद से। आने वाले समय में किसान अन्नदाता नहीं और जदाता भी होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस देश का किसान करेगा। गडकरी ने आगे कहा कि अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। ये सभी गाड़ियां किसानों की ओर से तैयार किए गए एथेनॉल पर चलेंगी। 60% एथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका कब एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। अब ये पैसा किसानों के पास जाएगा। प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए के संयुक्त मूल्य के साथ 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और निर्माण कार्य शुरू करते हुए गडकरी ने ये बातें कही। गडकरी ने कहा कि अगर 60% एथेनॉल और 40% बिजली का औसत लिया जाए तो पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा।